पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करके समर्पित की भावना में जाए वो बोलेंगे तो सद्गुरुदेव भगवान की जय। निवासी भगवान की जय। जातम प्रभु की जय। संसार प्रभु की जय। आज खुशी का दिन, हर्षो उल्लास का दिन, सार शब्द मिशन के सानिध्य में सद्गुरुदेव भगवान सार प्रभु जी का प्रकाशोत्सव, मैं जन्मदिन नहीं कहूंगा, जन्म तो हर प्राणी का होता है, परंतु ऐसे महापुरुष जब संसार में आते हैं भूले भटके आत्माओं को जगाने के लिए, और ऐसा समारोह, ऐसा आयोजन, ऐसा ज्ञान यज्ञ हमारे आदरणीय संत श्री आधार शब्दानंद जी ने यह आयोजन किया। आप सभी इस प्रकाशोत्सव पे आए। वास्तव में महापुरुषों का प्रकाशोत्सव या अवतार दिवस किस लिए होता है? केवल उनका एक उद्देश्य, एक एम होता है उनका, जीवन में एक मोटो लेकर के चलते हैं, और वो होता है भूली भटकी आत्माओं को अपनी माला में प्रो करके एक सही रास्ता दिखाना। और वो रास्ता कहाँ जाता है? वो जाता है परम ज्ञान को, परम शांति को। महापुरुषों का एक वचन कि इस मोह ममता में पड़े हुए इंसान जागो। जो जो भी महापुरुष जाग गया, उन्होंने सोई हुई आत्माओं को जगाने की कोशिश की, और उसका आधार क्या था, उसका बेस क्या था, सोचो। सिर्फ इन महापुरुषों का एक आधार रहा कि उन्होंने अपने जीवन में त्याग को अपनाया। धन तो हर के पास होता है, धन का उपार्जन तो प्रत्येक प्राणी करता है, परंतु केवल ये नहीं है कि केवल धन का उपार्जन किया, अपने जीवन का निर्वाह किया और अपने जीवन को अंत करके चले गए, ये नहीं। जो जो भी महापुरुषों ने त्याग करके अपने आप को जगाया और सोने वालों को जगाने की कोशिश की, पर अफसोस मुझे, जिस कृष्ण को धूली पर चढ़ा दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को कितनी यातनाएं दी गई, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वस्व त्याग करके जंगल जंगल गए, क्यों, क्या दोष था उनमें? हम श्री नंगली निवासी भगवान जी की जय बोलते हैं। मैं ये सच कहता हूं कि श्री नंगली निवासी भगवान जी, कहां पर उनका जन्म हुआ, उनका प्रकाश हुआ, अवतार हुआ, और कितने जगह पर वो गए, गांव गांव घूमे, क्या उनको कष्ट नहीं हुआ होगा? आज आपके घर में बड़ी सुख सुविधाएं हैं, एसी भी लगे हुए हैं, बाथरूम भी बड़े सुंदर बने हुए हैं। आप उन महापुरुषों के बारे में सोचो
जगह जगह पर गुरु नानक देव जी कहाँ कहाँ नहीं गए, सिर्फ एक सच्चे नाम का प्रचार करने के लिए। सतपुरुष जिस जाने आ, सच्चा जिसका नाव, जिस संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। केवल एक सच्चे नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने, और हम आभारी रहेंगे जीवन भर। हमारे सार प्रभु जी ने एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक पवित्र ग्रंथ की रचना की, और आज घर घर में उसका पाठ होता है। श्री स्वरूप दर्शन लीलाओं का पाठ होता है, हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने केवल एक बात कही, श्री नगरी निवासी भगवान जी हो, श्री स्वामी निजातमानंद जी हो, सार प्रभु जी हो, एक बात कही कि ऐ मनुष्य, जिस धन के पीछे हुआ है उससे शांति नहीं मिलेगी। सेवा और सिमरन में आ जाओ, सेवा और साधना में आ जाओ। एक छोटी सी बात कहूंगा मैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी महर्षि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम लिखा गीतांजलि। जापान में उनकी विजिट हुई, वो गए, रोज एक घंटा गीतांजलि का पाठ होता था। आते थे लोग सुनने के लिए, आते थे, आते हैं फॉरेन में, बहुत बहुत आते हैं। मैं भी तीन चार कंट्री में गया जाकर के सत्संग किए, लोग आते हैं पर उनका रवैया कठोर होता है। पति पत्नी दोनों आके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, चले जाएंगे, रवैया और होता है उनका। क्यों? क्योंकि भौतिकवाद बहुत है। खैर है नहीं, वो कोई बात नहीं। एक वृद्ध सबसे पहले आता था, गुलाब के फूलों की माला लाता था, महर्षि जी के गले में डालता था और सबके अंत में जाता था और बड़े भाव से कथा को सुनता था, बड़े भाव से आकर कथा का समापन हुआ। अपनी समर्थ अनुसार लोग आए, उन्होंने माथा लपेटा, जैसे जो भी होता है, किसी ने पुष्प लाया, कोई कोई मिठाई लाया, कोई फ्रूट लाया, कोई पैसे लाया, जैसे जो भी होता है। परंतु वो वृद्ध बड़े दीन भाव से, बड़ी आदरता से हाथ जोड़ करके महर्षि को कहने लगे, आप मेरे घर चरण डालो। उन्होंने कहा सादा सादा है, सादे से कपड़े डाले हुए हैं, इनके घर क्या होगा, कैसे होगा। खैर रहने हो, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम कल 4 बजे आपके घर चलेंगे। अपने शिष्य को कहने लगे, देखो ये वृद्ध आदमी हमारे स्वागत में कहीं ज्यादा पैसे ना खर्च कर दे, इसलिए 400 येन तू रख ले, बाकी करेंसी रख ले, उनके बच्चों को दे देना ताकि ज्यादा खर्चा ना करे। आखिर दूसरे दिन 4:15 इम्पोर्टेड गाड़ी फूलों से सजी हुई लेकर के वो वृद्ध आ गया। आप चलिए, बड़े दीन भाव से गाड़ी में बैठे, सोचा किराए की आई होगी। एक छोटी सी पहाड़ी पर बड़ा अच्छा सा महल बना हुआ, उसमें गाड़ी एंटर की, उसमें अंदर दाखिल हुई। बड़े संभ्रांत, बड़े अच्छे लोग आए, उनको चरण छुए, बिठाया, उनको स्वागत किया, चांदी की प्लेटें और बड़े अच्छे अच्छे चीजें उनके आगे रखी। वो कहने लगे, तुम कहाँ आए हो भाई, मुझे अपने घर ले चलो। वो हाथ जोड़ के कहता है, ये मेरा ही घर है, ये मेरे ही नाते पोते बच्चे, ये सारे मेरे ही हैं, मेरा ही सारा परिवार है। और जिस गाड़ी में मैं लाया हूँ ऐसी 5 गाड़ियां और हैं। कहने लगे, तुम तो बहुत बड़े सेठ हो,
कहते नहीं सेठ नहीं हूं, इस धन ने मुझे शांति नहीं दी, शांति दी है तो केवल आपकी कथा ने दी है, शांति दी है तो आपके ज्ञान ने दी है, शांति दी है तो आपकी भक्ति ने दी है, शांति दी है तो आपके प्रेम ने दी है, इसके अलावा और शांति मुझे कहीं नहीं मिली। और इसी लिए महापुरुष उनका हम हर वर्ष प्रकाशोत्सव मनाते हैं। इसी स्थान पर परमादंडीय सदगुरुदेव भगवान त्यागी महाराज जी का भी प्रकाशोत्सव ये बच्चे मना रहे हैं सुभाष नगर वाले। किस लिए? इसलिए कि हर बच्चे के मन में शांति हो। शांति धन की उपार्जन से नहीं होती। वो कहने लगा ये तो मैं मजदूर हूं, जो कार्य करता हूं मजदूरी करता हूं, वास्तव में शांति को ढूंढने के लिए तो मुझे महापुरुषों के पास ही जाना पड़ता है जिन्होंने अपने त्याग किया है। इसलिए उनका संदेश जो उनके श्री छोड़ने के बाद श्री स्वामी दर्शनाथ जी इस समय सार्थक मिशन कुशलानंद जी महाराज इस समय सार्थक मिशन उसको आगे बढ़ा रहा है। मैं सदगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रभु जैसे ये संदेश दे रहे हैं इसी प्रकार से ये संदेश चलता रहे, सब बच्चों का उद्धार होता रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, एक जय घोष बोलेंगे बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए।